लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। और एक वजह मजलिस को देने की यह है कि आपका एक लीडर बनेगा, आपका एक लीडर बनेगा। जमीन से निकला हुआ है राशिद फराज, कोई खानदान फानदान से नहीं आया, आप ही की तरह एक मामूली खानदान का आदमी है। जब राशिद फराज कामयाब होगा तो आप अपनी लीडरशिप को बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, वो कांग्रेस में भी है ना, वहां लीडर नहीं बनते, वहां गुलाम बनते, वहां लीडर बनने नहीं देते, सबको गुलाम बना के रखते। कैसा रहता वो खिलौना, चाबी देते, चाबी देते कैसा उस दिन अवैसी बी टीम, फिर बंद, फिर चाबी देते उन्हें पैसे ले लिए, फिर बंद। जहां बोलना है वहां नहीं बोलते ये लोग। पार्लियामेंट में मैं देख चुका हूं, ये जितने कांग्रेस के जितने एमपी है राज्यसभा के उस लोकसभा के, ओसी साहब कबे तकरीर, मैं बोला आपको क्या मतलब, नहीं हम सुनना चाह रहे, बोले आप क्यों नहीं बोलते, आपको मालूम ना हमारी पार्टी। तो मेरे अजीज दोस्तों, लीडर बनाओ। कब तक वोट डालने वाले बनोगे, वोट लो आज आप। अगर आप वोट लेंगे तो आपकी ताकत दिख कर आएगी, आप खाली वोट डालते रहेंगे तो आपकी अहमियत नहीं है। जब आप वोट लेना शुरू करेंगे तो सब डरेंगे आपसे। आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों है, ना मैं उनका कुछ लिया ना वो मेरा कुछ लिया, उनको दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि ये शख्स उस सोई हुई लोगों को उठा रहा है और उनको बता रहा है कि तुम वोट लेना शुरू करो, तुम्हारी ताकत दिखाओ। जब तुम हजारों में वोट लोगे तो इनको परेशानी हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, यही तो दुश्मनी है मुझसे, यही तो मुखालिफत की वजह है, यही तो गालियां दी जाती हैं। कोई दिन नहीं जाता तेलंगाना का इलेक्शन किसी मुद्दे पे नहीं हो रहा, खाली आपके दूल्हे भाई पे हो रहा है। मोदी आ रहे मेरे को गाली, योगी आ रहे मुझे गाली, अमित शाह आ रहे मुझे गाली, राहुल आ रहे मुझे गाली, अब तो उनकी बहन भी मेरे को पीछे पड़ गई।